चलो आपके साथ शेयर करती हूँ दिवाली हैक्स। ये हेडबैंड जो लगाया है ये स्पा हेडबैंड एंड मेकअप हेडबैंड के लिए है, स्पॉन्ज वाला है एंड काफी अच्छे से बालों को नीट एंड टाइडी रखता है। अमेजोन से मंगाया बट काफी महंगा पड़ा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी दिवाली मेकअप। स्किन केयर करने के बाद सबसे पहले फेस पे प्राइमर लगाया है। मैं यहाँ पे मार्स का ग्लोई ड्यूई प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, प्राइम करता है एंड इसके अंदर ग्लिटरी पार्टिकल्स है जिससे एकदम फेस ड्यूई शाइनी लगता है। ये पंप पैकेजिंग में है एंड काफी अफोर्डेबल है। फाउंडेशन से पहले ब्लश लगाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लश लिया है एंड हमारा मेरे फेस पे ब्लश लगा रही है। देखो कितने प्यार से लगा रही है। ये तो मिनी मेकअप आर्टिस्ट जरूर बनेगी मुझे देख देख कर। यहाँ पे मेबलिन का फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा को मेरे साथ ही बैठ के मेकअप सीखना था तो मैंने इसको गोदी में ले लिया है। तो देखो कैसे वो देख रही है कि मम्मा कैसे मेकअप कर रही है। तो डॉट डॉट करके फाउंडेशन मैंने अपने फेस पे लगा लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी के ब्रश से ब्लेंड करूँ। ये हुडा ब्यूटी का ब्रश मेरे पास लगभग 2 से 3 साल से है एंड काफी अच्छा वर्क करता है। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए परफेक्ट है। जैसे जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ हमारे भी मेरे सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है। उसको मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स टॉय ज्यादा लगते हैं। लुक एट हर बनी टीथ स्माइल। हम अक्सर फेस पे मेकअप लगाते हैं नेक पे भूल जाते हैं, तो फेस और नेक दोनों इवन होने चाहिए। तो नेक पे भी मैं यहाँ फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद कितना स्मूथ लग रहा है ना एंड डूई भी एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट प्राइमर विच आई यूज्ड। मेकअप करते करते भूख लगी तो मैंने यहाँ पे बनाना खा लिया और ये मेरा फेवरेट है। हेल्दी भी न्यूट्रिशियस एंड काफी फिलिंग होता है। ब्लश लगाने की ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। मैंने देखो यहाँ पे ब्लू हेवन वाला स्टिक ब्लश लगाया है एंड उसके ऊपर 2-3 डॉट कंसीलर के भी लगा दिए हैं। अब एक साथ दोनों को ब्लेंड कर दूंगी लाइक दिस। एकदम नेचुरल लगता है ये। फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। मेबलिन का ये स्पॉन्ज एंड मिरर के साथ आता है। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। एक शेड लाइटर लिया है एंड इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है एंड इसको ब्लेंड कर देंगे। इससे जो ब्लश है वो काफी हाईलाइट हो जाता है एंड फेस की कॉन्टोरिंग भी हो रही है। यहाँ पे सेम मैं नोज के ऊपर भी लगाऊंगी। स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर लिया है बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग में और जहाँ मैंने लाइट शेड का फाउंडेशन लगाया था वहाँ इसको लगा करके अपने उस फाउंडेशन को सेट कर दूंगी एंड देखो मेकअप कितना इवन लग रहा है, सीमलेस। एंड जहाँ आई शेडो लगाना है वहाँ भी ब्लेंड कर दूंगी लूज पाउडर को। आईब्रो सेट करने के बाद याद आया नेल पेंट तो लगाया ही नहीं, तो एक हाथ में नेल पेंट लगा लिया, दूसरे में नहीं लगाती क्योंकि फिर बेबी के साथ दोनों हाथ में नेल पेंट इज नॉट गुड। आई शेडो के लिए शुगर का पैलेट लिया है। सबसे पहले न्यूड कलर मैंने सिलेक्ट किया है, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। बहुत सिंपल आई शेडो का ट्रिक बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ये शिमरी शेड लिया है एंड वो फिंगर से ही अपनी आईलिड पे लगा दूंगी लाइक दिस। इससे ज्यादा आसान आई शेडो लगाने का तरीका कोई हो ही नहीं सकता। बेनिफिट का कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है मैंने एंड ब्रश की हेल्प से इस तरीके से नोज को कॉन्टोर कर रही हूँ। पूरे फेस को मैंने कॉन्टोर नहीं किया। एकदम पतला ब्रश यूज करना नोज कॉन्टोरिंग के लिए काफी अच्छे से हो जाती है एंड मार्स के लिप लाइनर्स ऑसम है, ट्राई करना, सस्ते भी है सही भी है। सो लिप लाइन करने के बाद मैंने मेबलिन की ये 2 लिपस्टिक्स चूज की है। रेड वाली भी ऑसम है, करवा चौथ पे पहनी थी मैंने एंड ये वाला शेड भी बहुत प्यारा है। ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड ग्लॉसी भी दिखती है, बहुत शाइनी एंड लिप्स को मॉइस्चराइज करती है। सुंदर लग रहा है ना कलर। फेस को हाईलाइट करने के लिए मेबलिन का ये हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। देखो मैं हाथ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये हाईलाइटर इतना हल्का है कि जब लाइट पड़ती है तो ये हाईलाइट होता है, अदरवाइज नहीं। एंड यही परफेक्ट तरीका होता है हाईलाइटर लगाने का। ये जो हम लोग सफेद चंकी हाईलाइटर लगाते हैं जो बिना लाइट के भी चमकते रहते हैं वो कार्टून से ही लगते हैं। सो फैन ब्रश की मदद से अपने सारे हाई पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइटर लगा दूंगी। नेचुरल ड्यूई फिनिश आता है एंड पतला ब्रश लेकर के नोज के ऊपर भी लगा लिया है। मेकअप को सेट करने के लिए मेबलिन का सेटिंग स्प्रे, इससे पूरा दिन मेकअप इंटैक्ट रहता है। ये स्टेप ऑप्शनल है। आईलैश लगाना थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है शुरुआत में, लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएगा। पहले आईलैश की लेंथ देख लो, आपकी आंखों जितनी होनी चाहिए, बड़ी है तो कट कर लो। आईलैश ग्लू लगा करके थोड़ी देर फुक्की मारो, वेट करो एंड स्टिक करो। उसके बाद फिनिशिंग के लिए मैं लिक्विड आईलाइनर लगा रही हूँ फेसेस का। वाओ, आई लव आईलैशेस। उसके बाद मैंने न्यूड काजल लिया है एंड इस तरीके से लोअर लाइन पे लगा दूंगी। इससे आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है ना। ताली मारते ही ड्रेस चेंज होगी, ट्रांजिशन हो गया मेरा। बताओ कैसे लग रही है मेरी ड्रेस। दिवाली के लिए ये वाला लुक करोगे तो दिए से ज्यादा आप चमकोगे। देखो स्टेप बाय स्टेप इजी दिवाली मेकअप लुक आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना मत भूलना। नैना तेरे कजरार है, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। अक्सर हम लोग मांगटीका लगाते हैं तो बॉबी पिन या टिकटैक वाली पिन लगाते हैं ना, तो उससे बड़ा गंदा लुक आता है। तो आप अपने बालों के अंदर इस तरीके से फंसा दोगे मांगटीका का हुक एंड पीछे इस तरीके से बॉबी पिन लगा दो, कोई भी बॉबी पिन अलग से नजर नहीं आ रही होती है एंड मांगटीका भी सेट हो जाता है।
दिवाली पार्टी में आप डांस करो और आपके साथ मांग टीका भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसको स्टिक करने के लिए आप यूज कर सकते हो लैश ग्लू या फिर मेरा फेवरेट डबल साइड टेप। जरा सा कट करिए, अपने मांग टीके के साथ स्टिक करिए एंड अब आप कितना भी नाचो खेलो कूदो मांग टीका नहीं हिलेगा। ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ शीश फूल बहुत खूबसूरत लगता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप हैक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नेक पीस लिया है एंड इसको एज अ शीश फूल यूज कर रही हूँ लाइक दिस। किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने गले का सर पे लगाया है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये मेरा सिग्नेचर हेयर स्टाइल बोल सकते हो। सीधी मांग निकाल के जरा से बालों का सेक्शन ले करके एक के ऊपर एक लेयर करती हूँ, इस तरीके से टिक टैक पिन लगा दिया एंड दैट्स इट। ये हेयर स्टाइल बहुत सिंपल एंड मेरा एवरग्रीन हेयर स्टाइल है। अगर आपका जूड़ा बनाने का मन करे तो मेरे कहे अनुसार जूड़ा बना के देखो। देखो आप जैसे भी जूड़ा बनाते हो वैसे बना लो, उसके बाद अपने बालों में ये वाला हेयर एक्सेसरीज लगा लो। ये मैंने अमेजोन से लिया था, देखने में आर्टिफिशियल फ्लावर लग रहा है बट लगाने के बाद लगता है कि रियल वाला फूल आपने लगाया। इसके ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम भी छिड़क देना, फिर लगेगा कि आपने रियल गजरा लगाया है। देखो इस तरीके से यूपिन की हेल्प से मैंने स्टिक कर दिया है एंड इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस है ना। दुपट्टा अब जैसे मर्जी वैसे कैरी करो, लेकिन अगर थोड़ा स्टाइल से कैरी करोगे तो और एलिगेंट लगोगे। सो मैंने यहाँ दुपट्टे के ऊपर सेफ्टी पिन लगाया है एंड इस तरीके से कैरी किया है। सो दिस इज लुक नंबर वन एंड आई विल शो यू मोर लुक्स। अब आप दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स में पिन लगा लीजिए एंड इसको इस तरीके से कैरी कीजिए, या फिर आप फ्रंट की तरफ इस तरीके से रख सकते हो। ये केप स्टाइल काफी ज्यादा पॉपुलर है ना, काफी सारे सेलिब्रिटीज इस लुक को कैरी कर रहे हैं। उनके तो ड्रेसेस तो रेडीमेड होते हैं लेकिन आप डीआईवाई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेफ्टी पिन भी लगा रखा है ताकि दुपट्टा इधर से उधर हिले ना। आपको सबसे अच्छा दुपट्टे का कौन सा स्टाइल अच्छा लगा? देखो हमारा भी आ गई और हमारा बहुत खुश होती है जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ ना, वो देखती है मम्मा क्या करिए क्या करिए, मेरी बेटी बचपन में ही सारे हैक सीख लेगी और जब ये बोलना शुरू करेगी तो आपके साथ भी अपने हैक शेयर क्या करेगी है ना। दिवाली पूजा करते टाइम अगर दुपट्टा आपका बार बार खिसके और एक बार में सर पे टिक करके ना रहे, ये देखो दुपट्टा खींचने वाले की धीरे धीरे खींचा, मुझे बहुत हंसी आ गई वहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने अपना दुपट्टा इस तरीके से लिया है एंड टिक टैक पिन लगाई है दो सर पे इस तरीके से एंड अब नीचे से दुपट्टा उठाते हुए अपने सर के ऊपर रख लूंगी। अब ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर दुपट्टा भी रखा है, देखो टिक टैक पिन की वजह से दुपट्टा हिलेगा भी नहीं एंड टिका रहेगा। तो अगर आप पूजा करो या आपके घर में सर पे पल्ला रख करके रहते हैं तो ये बहुत ईजी हैक है, एकदम मस्त लग रहा है ना। दुपट्टा हिलेगा ही नहीं, दिवाली पूजा हो या कोई सा भी पूजा हो दुपट्टा नहीं गिरेगा। बहुत ही सुंदर आलिया कट वाला सूट मैंने मिंत्रा से मंगाया है, इसमें बहुत अच्छा घेर है, नीचे बहुत घेर वाला प्लाजो भी है, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है एंड फेस्टिव के लिए परफेक्ट है। लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देते हैं सूट को कि लगे कि दिवाली आउटफिट है, तो मैंने मेरे दो इयररिंग लिए हैं, पीछे वाला जो नोक है उसको इस तरीके से बेंड कर दिया है और एक के ऊपर एक हुक कर दिया है इस तरीके से। अब सिंपली इसको अपनी ड्रेस के साथ आप चाहो तो सुई धागे से टक कर सकते हो, बॉबी पिन से कर सकते हो। मैंने सिंपली इसको ऐसे रख दिया क्योंकि मैंने उसको बेंड कर दिया था ना पीछे से, तो एक जगह स्टिक हो गया है, हिल नहीं रहा है एंड मेरे सूट में ये चार चांद लगा रहा है, सुंदर लग रहा है ना, एकदम पार्टी अप्रोप्रिएट लग रहा है। सो ये वाला हैक आप कर सकते हो अपने किसी भी ड्रेस के साथ। चलो एक और हेयर स्टाइल हैक आपको बताती हूँ। दिवाली हैक शेयर करते टाइम मुझे समझ नहीं आया था मैं आपको क्या क्या हैक बताऊँ, सो मुझे लगा यार एक जूड़ा हैक तो होना ही चाहिए। सो इस तरीके से मैं अपने बालों में जूड़ा बनाती हूँ एंड बॉबी पिन या यू पिन लगा करके आप इसको सेव कर सकते हो एंड देन गजरा यहाँ मैं लगा रही हूँ। ये मैंने गोल्डन गजरा अमेजोन से मंगाया है, ये आर्टिफिशियल है बट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको आप नीचे से भी जूड़े में लगा सकते हो, ऊपर से भी लगा सकते हो, आजकल तो दोनों ही फैशन में चले हुए हैं। एंड मैंने यहाँ पे इयररिंग लिया है, उसके पीछे बॉबी पिन लगा दिया है। इस तरीके से जूड़े के साथ मैंने अपना इयररिंग स्टिक कर लिया है, हुक कर लिया एक्चुअली एंड दिस इज लुकिंग सो एलिगेंट है ना, कितना फेस्टिव सीजन वाली वाइब दे रहा है। मेरे घर में तो दिवाली आज ही आ गई इस वीडियो के चक्कर में, ऐसा लग रहा है मन कर रहा है आज ही दिए जलाऊं दिवाली मनाऊं। दिवाली घर की मिठाई खाएं जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। मेरी फेवरेट नारियल का लड्डू। नारियल का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको नारियल का बुरादा निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे दो नारियल के बुरादे निकाल लिए हैं। अब इसको कढ़ाई में डाल करके धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। एक से दो चम्मच घर का देसी घी डाल दीजिए। स्वाद और बढ़ाने के लिए इलायची के छिलके निकाल के उसको अच्छे से कूट देना, पाउडर बना लेना और वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। थोड़ी देर तक इसको रोस्ट करेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। अब आप इसके अंदर मिठास के लिए गुड़ डाल
सकते हैं या मिश्री। मैं यहाँ पे पिसा हुआ गुड़ मेरे पास है, मैं वो ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे एंड तब तक पकाएं जब तक गुड़ अच्छे से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एंड कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस बंद कर लीजिए और ये पूरी मिठाई धीमी आंच पे पकाना, तेज आंच मत करना। अब ये जो नारियल का मिक्सचर तैयार हो गया है इसको हाथ में इस तरीके से लीजिएगा एंड लड्डू जैसे बनाते हैं सिंपली वैसे लड्डू बना लो यार। ये देखो मेरे दिवाली के लड्डू घर के बने हुए तैयार है। ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, आप इस दिवाली जरूर ट्राई करना। हो सके तो बाहर की मिठाई कम खाओ या ना खाओ, पर ये जरूर बना के खाना। अरे यार बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा दिवाली पे रंगोली कैसे बनाऊँ, मुझे तो रंगोली बनानी आती नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार, स्टेंसिल से रंगोली बनाना काफी आसान है, लेट्स ट्राई दिस। सो गाइस ये है रंगोली मेकिंग स्टेंसिल और इससे इतनी खूबसूरत रंगोली कैसे बना सकते हो वो मैं आपको फुल डेमो दिखाती हूँ। सबसे पहले आप स्टेंसिल को प्लेस कर दे जहाँ पे आपको रंगोली बनानी है, उसके इर्द गिर्द आप सर्कल बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। जो भी मैं टूल यूज करी हूँ सब मैंने अमेजोन से मंगाया था, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं रंगोली एंड रंगोली मेकिंग स्टेंसिल। उसके बाद इस तरीके का कंटेनर मैंने लिया है जो कि मुझे अमेजोन से डायरेक्टली मैंने मंगाया था। स्टेंसिल हटा करके इस तरीके से पूरा ये येलो कलर में डिस्प्ले कर रही हूँ। जब एक बार मेरा बेस तैयार हो गया है तो इसके ऊपर मैं दोबारा से स्टेंसिल रख दूंगी। अब इसके ऊपर मैं दूसरा, आप अपना कोई सा भी फेवरेट कलर ले सकते हो, मैंने फिलहाल ऑरेंज लिया है और मैंने बीच के सर्कल में सिर्फ ऑरेंज कलर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लाइक दिस। अब बाकी बची हुई जगह पे मैंने दूसरा कलर लिया है एंड देन अगेन डिस्प्ले कर दिया। इस तरीके से आप अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये हिलाना ही है इस डब्बे को, दैट्स इट, रंगोली अपने आप नीचे बनती जा रही है। चलो देखते हैं कैसी बनी हमारी रंगोली। इट्स डन, देख रहे हो ये रंगोली कितनी खूबसूरत लग रही है यार, ऐसा लग रहा है कि किसी एक्सपर्ट ने बनाया है। लेकिन एक्सपर्ट की तो बात ही अलग है यार, लोगों का अपना टैलेंट होता है रंगोली बनाने का, हमारा नहीं है तो हम स्टेंसिल से इस तरीके से काम चला सकते हैं। अच्छा देखो हैक्स तो मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर कर लिए, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।